बहुत इंपॉर्टेंस है. व्हाट इज़ रेटिंग ऑफ अ प्लेट, रेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास यदि कोई कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर पर एक प्रिंटेड कुछ चीज़ें लिखी होती हैं. ठीक, मेरे पास यदि फ़ैन है, ये एग्जॉस्ट फैन मेरे को दिखाई दे रहा है, उस एग्जॉस्ट फैन में एक प्लेट लगी हुई है, रेक्टेंगुलर प्लेट. ठीक, और उस रेक्टेंगुलर प्लेट पर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं. ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे टेल अस होल स्टोरी अबाउट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सारी इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल ये कहना चाहिए उसके फंडामेंटल थिंग्स आपको पता चल जाएंगे. जैसे उसमें लिखा हुआ है 230 वोल्ट, दैट मीन्स इट कैन वर्क एट 230 वोल्ट पोटेंशियल ओनली. नंबर टू, उसमें लिखा हुआ सिंगल फेज, वन फेज. ठीक है, इट इज़ रिटन दैट इट वर्क्स ऑन 50 हर्ट्ज AC. ठीक है, तो आप यदि कहीं पर भी जाते हैं और उस फैन को ले जाके लगाते हैं तो पहले तो आप देखेंगे कि उसके घर में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है कि नहीं. इंडिया में तो ये कॉमन है. ठीक है, बट इन अमेरिका डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज आर यूज, 60 हर्ट्ज भी यूज़ होती है वहाँ, 50 हर्ट्ज भी यूज़ होती है. इफ़ यू गो टू जापान देन 25 हर्ट्ज यूज़ होती है. ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, और उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि उस फ्रिक्वेंसी का ये है कि नहीं, मैच करना पड़ेगा. नंबर टू, 230 वोल्ट हम लोगों की इंडिया में सब जगह 230 वोल्ट है, पर जापान में 110 वोल्ट पर भी वर्क होता है. जितने भी रेलवे है उस रेलवे में 110 वोल्ट में जितनी इंटरनल लाइटिंग होती है, इंटरनल फैंस होते हैं, दे ऑल वर्क एट 110 वोल्ट. तो ये चीज़ें अपने को मैच करना जरूरी है कि किसी के साथ भी जोड़ दोगे तो या तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, या फिर वो शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए उसमें कलर रेट, उसमें रेटिंग लिखी होती है. उसमें एक और काम होता है, उससे हमको फ्यूज़ की रेटिंग पता चलती है जो उसके साथ लगानी है. ठीक है, क्या क्या दिया आपको, पावर ये सर्टेनली दिया रहता है. ठीक है, कि 100 वॉट है कितना, आपके पास यदि घर में बल्ब होगा पुराने ज़माने का तो उसको उठा के देखो, उससे प्रिंटेड आपको दिखेगा कितने वॉट का है वो. ठीक है, ये उसकी वॉटेज होती है, उसका वोल्टेज लिखा आता है. ठीक, 230 वोल्ट जनरली इंडिया में यही रहेगा. ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी होती है जो जनरली इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज. उसका फेज लिखा होता है, सिंगल फेज. ठीक है, यदि थ्री फेज मोटर है तो थ्री फेज लिखा रहेगा. ठीक है, ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, वी कॉल देम रेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. दैट रेटिंग विच इज़ रिटन ऑन द प्लेट वी कॉल इट रेटिंग प्लेट. ठीक है, तो छोटी सी बात होगी, समझ में आ गई होगी आपको, कुछ विशेष बात नहीं है. ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ ए मशीन, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड करेंट फ्लोइंग इन दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई इज डिफाइंड एज पावर. एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एनर्जी यूज बाई इट, देन इट इज़ वी इंटू आई इंटू टी. ए आपने पहले पढ़ा हुआ है जूल्स लॉ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसके. ठीक है, शायद 10th क्लास से पढ़ा है जूल्स लॉ, दैट इफ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड एंड करंट आई इज पास थ्रू दैट इक्विपमेंट फॉर टी टाइम, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज बाई इट इज गिवन बाई वी आई टी. इसी को चेंज कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई टी, सो इट विल बिकम आई स्क्वायर आर इंटू टी. इसी को आप आई को वी अपॉन आर लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू. ठीक है, अब आपने यहाँ बोला कि मैंने पावर और वोल्टेज इसमें रेटिंग में लिखी होती, करंट क्यों नहीं लिखा होता, लिखने की ज़रूरत क्यों है. आपको पावर यदि वोल्टेज दोनों पता है तो यू कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट एज वेल एज करेंट फ्लोइंग थ्रू इट, बिकॉज आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी एंड वी अपॉन आई इज रेजिस्टेंस आर. आई की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे तो वी अपॉन आई की वैल्यू पी अपॉन वी हो जाएगी, दिस इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर. तो आप इन दोनों से, पी और वी से, करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी. करंट से क्या पता चलेगा, करंट गिव्स अस रेटिंग ऑफ द फ्यूज विच शुड बी यूज्ड विद इट. ठीक है, तो अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, फ्यूज होता क्या है. ठीक है, तो ये प्राइमरीली इतनी चीज़ें होती हैं, ये रेटिंग प्लेट कहलाती है. रेटिंग प्लेट पर क्या क्या लिखा रहता है मैंने बताया आपको, जनरली दीज फोर थिंग्स आर गिवन आउट, पावर, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी एंड फेज. बट इफ इट इज़ अ रेजिस्टेंस देन रेजिस्टेंस वैल्यू इज ऑल्सो रिटन ऑन इट. इफ इट इज़ अ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस इज ऑल्सो गिवन ऑन इट. ठीक है, तो ये कौन सा इक्विपमेंट है, जनरली जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मोटर है, जनरेटर है, या इवन एग्जॉस्ट फैन है, कूलर्स हैं, तो उनके ऊपर ये चार चीज़ें लिखी होंगी. फेज लिखा होगा, सिंगल फेज और थ्री फेज. ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें, मेकर्स नाम लिखा रहता है कंपनी का. ठीक है, तो ये हो जाएगी रेटिंग प्लेट, जनरल रेटिंग प्लेट. इस रेटिंग प्लेट से आप क्या क्या पता लगा सकते हैं, पावर इज